नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज का खास शो अजब गजब घटनाएं। मैं हूं आपके साथ शिवानी शाह। सांपों से जुड़ी हुई नाग नागिन की कहानियां हमने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन क्या हो जब कुछ सत्य घटनाएं उन कहानियों को चरित्रार्थ करती नजर आए। एक ऐसी घटना अलीगढ़ में घटी जिस पर विश्वास करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। एक ऐसी घटना जो कई दिनों से क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि एक सफेद नागिन की मौत पर दो दिन बाद उसकी अर्थियों के पास सफेद सांप टहलता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से ज्यादा हमने उसे आंखों से देखना जरूरी समझा। इसलिए हम निकल पड़े खबर की तह तक जाने के लिए। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे तो नजारा हमें भी अचंभित करने वाला था। अगर बात सांपों की कही जाए तो जंगलों के आसपास तरह तरह के सांप आ ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो वर्षों में कभी कभार जंगल से बाहर आया करते हैं। उनका रंग और प्रजाति अलग किस्म की होती है। उन्हीं में से एक था सफेद सांप, जो बीते 5 जनवरी को अलीगढ़ में दिखाई दिया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जब उस सांप को भगाने का प्रयास किया गया तो वह टस से मस नहीं हुआ। और सांप को वो एक भाईगी आए थे, वो भाईगी आए थे, उसको सांप को पकड़ ले गए थे। फिर उसके बावजूद उनको छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे। अब छोड़ने के लिए आए थे तो वो छोड़ा सांप, तो वो सांप ने उसको दम तोड़ दिया उसने, और वो उसका यहाँ पे दाग संस्कार कर दिया। अब फिर उसके बाद में एक दूसरा सांप निकला यहाँ पे। अब दूसरा सांप उन्होंने पकड़ के और उन्होंने अपने साथ में कंट्रोल कर लिया है, इसी में बंद कर लिया। जिसके बाद वहाँ बाईगीर उमा शंकर को बुलाया गया तो उमा शंकर के द्वारा सांप को पकड़ लिया गया। लेकिन जब उमा शंकर बाईगीर सांप को छू रहा था तो वह सांप गर्दन हिलाकर उसके साथ ना जाने का इशारा कर रही थी। जब बाईगीर द्वारा जबरन सांप को डब्बे में कैद करके घर ले जाया गया तो सांप ने घर जाते ही उमा की उंगलियों में काट लिया। उमा शंकर के द्वारा जब सांप की विस्तृत जानकारी अन्य बाईगीरों से लेने की कोशिश की तो एक अचंभित करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि जिस सांप को वह बाईगीर पकड़ लाया है वो कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, बल्कि एक सफेद कुटुंबी नागिन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की मालकिन होती है। तो वहीं दूसरी ओर बाईगीर की हालत नाजुक होने पर उसे स्वास्थ्य केंद्र अलीगढ़ भेज दिया गया, जहां उसका इलाज कराया तो गया और वो स्वस्थ भी हो गया। जिसके बाद बाईगीर अस्पताल से घर वापस आया तो उसे रात में सपना आया कि जिस जगह से नागिन को लाया है नागिन उसी जगह पर जाना चाहती है। तो बाईगीर ने नागिन को दूसरे दिन उसी जगह पर छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद नागिन ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। नाम है आपका और ये सांपों को लेकर क्या मामला हुआ था पूरा? हाँ जी, मेरा दोस्त है, वो उसके मकान में सांप आ गया था। सांप मैं उसे पकड़ने आया था, पकड़ के ले गया घर पे। उसने काट लिया मुझको, काटने में थोड़ा नेक घर का असर आ गया। यहाँ हॉस्पिटल ले गए मुझे, हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टरों ने देखा, इंजेक्शन लगाए मेरे उनने, तो मैं वहाँ सही हो गया। सही होते ही उसको ले आया यहाँ पे गिलास आके उसको मैं छोड़ के आया हूँ वही जगह पे। तो वहाँ शाम को ऐसे कोई 6 या 6:30 बजे के लपेट में उसने जान दे दी, अपने आप ख़त्म हो गई। वहाँ से ख़त्म होते ही मैंने अंतिम संस्कार कर दिया उसका यहाँ पे। अच्छा, वो जो उनकी अंतिम संस्कार राख जो थी दो उसमें घड़े में रख दी थी मैंने। अच्छा, रात को मेरे सपना आया कि दूसरा सांप आ चुका है वहाँ पे हल्सों के पास में, तो मैं आ गया था देखने के लिए। जो दूसरा सांप पड़ा मिला मुझे, उसको पकड़ के ले जा रहा हूँ अब मैं, गंगा जी छोड़ूंगा इनको, इनका अंतिम संस्कार कराऊंगा, वहाँ पे फूल भांगूंगा इनके सांप इनके।
जो स्यापिन जो है जो मर गई थी, क्या उस जैसी स्यापिन आपने कभी देखी थी? जीवन में नहीं देखी है। जितने भी आदमी आए कलकत्ते के, गंगा जी के, फिरोजाबाद के और तुम्हारे मथुरा के, वृंदावन के, दाबू जी के, बहुत बहुत दूर के लोग आए थे देखने के लिए। पूरा गांव एक गिलास पलट गया था देखने के लिए, क्योंकि छदारी मड़ीदारी स्यापिन थी वो। पहले किसी से नहीं देखा था, कोई आदमी ये नहीं करा था, ये आज तक हमने देखा है। स्याप इस कलर की स्यापिन थी वो, बिल्कुल वाइट, इतना अच्छा कलर था उसका। क्या मानते हैं मणिधार सांप था? हाँ, वो मणिधार सांप था वो। उसके प्रकोट छपे थे मणिधारी, ऊपर ही छपनी थी प्रकोट उस पे, फन पे। एक वो छपरा त्रिशूल, गाय के दो खरबन वो खुर बने हुए थे और यह मणि प्रकोट बने हुए थे दोनों, क्लियर सबको दिख रहा था बिल्कुल। तो जो दूसरा जो सांप आया है क्या मानते हैं उसी के संयोग को देख कर आया है? हाँ, दूसरा जो सांप आया है उसी के सहयोग को चले के देखे आया। रात को सपना आया तो मुझे बताया, मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं रात को 11 बजे तो सपना आया था, 11 तो नहीं बच सके, टाइम हो रहा ज्यादा, ठंड पड़ रही थी, मैं नहीं आया। तो सुबह आया तो देखा, तो मैंने वहाँ आके सांप पड़ा मिला। ऐसा पहली बार हुआ था जब उमा को किसी सांप ने काटा था। इसके साथ ही बायगिर ने बताया कि उसने नागिन से माफी मांगी और उसका अंतिम संस्कार किया, तब कहीं जाकर वो आज जिंदा खड़ा है। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि इस नागिन को जब बायगीर साथ ले जा रहा था तब वह मना कर रही थी, लेकिन जबरन बायगीर उसे अपने साथ ले गया। यही कारण था कि उसे नागिन ने डस लिया था। हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम वो हमारे आँख के सामने हो तो उस पर क्या कहा जाएगा। इसीलिए ये होती हैं अजब गजब घटनाएं।